घर में कोई काम कर रहे थे, उधर से आया तो शादी का बारे में बता रहा था कि आपका बेटी का शादी कराइएगा, हम इतना इतना पैसा देंगे। गांव छोटी भैसतीरा भट्टा टोला प्रखंड बरारी के सुगा देवी ने अपने पास ही के गांव में गांव की महिला के सिफारिश में आकर के अपनी बेटी और भतीजी की शादी कर दी और पता चला कि वो महिला मानव तस्करी निगरोह चलाने वाली है। सुनने में आया कि बगल गांव का है जिटकिया का औरत, वही लेके गई। बाद में जाने तो मतलब जा करके थाना में भी जा करके लिखवाए। क्या केस करने गए थे? हाँ, केस करने गए। क्या केस दर्ज हुआ? नहीं, केस दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पता नहीं क्या हुआ। क्या बोले थाना प्रभारी? क्या बोले? बोला कि ऐसा तो रोज होते रहता है। अमेरिका देवी घर झिटिया कोढ़ा प्रखंड की रहने वाली महिला जो कि 5 साल से मानव तस्करी का काम किया करती थी। उसने हमारे साथ में बात की, बोला कि लड़की है आपके पास में तो बोलिए शादी उदी कर लीजिए और जो कि इसमें आपको सुखी रहिएगा। क्या झोपड़ी में रहते हैं? ये झोपड़ी छोड़िए, आपको अच्छा सा मकान बना करके हम देंगे। शादी करने के पहले तुमको हम 25,000 देंगे। तो राजी कैसे हो गए आप? राजी नहीं हुए हम। फिर भी वो हमको कहता है नहीं, ऐसे नहीं कीजिए, इनकार न कीजिए, लड़की आपका अच्छा ही लग रहा है और शादी कीजिए और शादी करेंगे आपको बहुत खुशी होगा। क्या वो लड़का को ले करके आपके घर पर आई थी? जी जी। तो लड़का कहाँ का है? लड़का यूपी का है। तो आपको कैसे पता? उससे कभी मिले थे? आप पहचानते थे? नहीं। तुम पढ़ती हो? हाँ। किस क्लास में? 6 क्लास में। कौन सा स्कूल में? रामपुर स्कूल में। तुम शादी उसे करने के लिए चाहती थी? नहीं। आपका मम्मी क्या चाहते थे? पापा? मम्मी पापा चाहते थे कि शादी, अभी तो छोटा बच्चा है, शादी कैसे करें। तो फिर कैसे, तब राजी कैसे हो गई थी मम्मी? बारह वर्ष की लड़की और 40 वर्ष के यूपी के लड़के के साथ शादी करवाने वाली थी अमेरिका देवी। मैंने रामपुर के मुखिया को तत्काल में फोन पर बताई इस घटना के बारे में। लड़की पक्ष के लोगों को बुलाया, उनसे पूछा तो ही शादी करने से इनकार किए। लड़के से जब पूरी जानकारी लिया तो सही सही बात बताया कि 50,000 रुपया में महिला हमसे सौदा की थी। हेमंत सर की वाइफ अमेरिका देवी, उसका दोस्त में एक फर्जरी आईडी कार्ड बना के रखी है मीना देवी के नाम से। उसका लगभग 10-15 क्लेम था, सबूत नहीं मिलता था और डरा धमका के एक आदमी भी वो अपने पास रखता है। एक बार पकड़ाई तो उसको मैनेज कर लिया, पैसा तैसा दे के 1-1.5 लाख वहाँ से लाती है, उसमें उसको बांट के दे दिया, चुप हो गया। तो उसके पीछे आदमी लगाया गया तो पकड़ाया। उन्होंने एक्शन लिए, अपने पंचायत भवन में उस लड़के को और अमेरिका देवी को बंद रखे। उसी समय मैं फिर थाना में भी फोन किए। पुलिस मौके पर आई और उस लड़के और दलाल को थाना लेकर गई। उस पर प्राथमिकी दर्ज करके उचित कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया गया। और जिसमें कि आज मुखिया के साथ साथ आपका भी अच्छा भूमिका रहा, जब जब आपको हमने कहा तब तब आपने कोऑपरेट किया और उनके पीछे लगे रहे, आज जिनके क्रम में वो जेल में है। इसके लिए आप सब, आपका प्लस आपकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं।